नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो इंडिया है उसमें कौन कौन से माउंटेन पीक्स हैं हर स्टेट में, ये हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का मेन पर्पज ये रहेगा कि किस स्टेट की हाईएस्ट पीक कौन सी है और वो किस माउंटेन रेंज के अंदर आती है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये जो वीडियो है वो जो वन डे टाइप एग्जाम है उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप किसी रेलवे बैंक या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे आपको चार जो है कॉलम देखने को मिलेंगे। पहले में आपको स्टेट का नाम दिया गया है, दूसरे में वो किस माउंटेन उसकी जो पीक है वो कौन सी है और किस रेंज में आती है ये दिया गया है, और उसकी हाइट भी दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है आपका, उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा जो है आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है उसको, उसमें आपके दो माउंटेन जो रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो ये वाला जो है आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट है और इसका नाम है अरमाकोंडा और इसकी हाइट है 1680 मीटर। दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कांगटू और ये जो है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और इसकी हाइट जो है 7000 के ऊपर है, तो काफी ऊंची चोटी है ये। तीसरा है आपका बिहार। बिहार में अगर बात करें तो हाईएस्ट पीक है सोमेश्वर फोर्ट, जो आपका वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल बॉर्डर पे है वहां पे देखने को मिलेगा, और इसकी जो हाइट है वो 880 मीटर है। तो बिहार में जो पीक पॉइंट है वो बहुत ही कम है, तो बिहार को कह सकते हैं इसीलिए वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ जो है आपका वो एक नया स्टेट है जो 2000 में बना था और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है बेलाडीला रेंज। बेलाडीला रेंज जो है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी जो हाइट है वो है 1276 मीटर। अब बात करें गोवा की, तो गोवा का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है सोसो घाट, ये जो है वेस्टर्न घाट का पार्ट है और इसकी हाइट है 1022 मीटर। अगला है आपका स्टेट गुजरात। गुजरात का जो हाईएस्ट पॉइंट है या पीक है वो है गिरनार और ये जो है जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी जो हाइट है वो है 1145 मीटर। अगला है आपका हरियाणा। तो हरियाणा में जो सबसे ऊंचा पीक है उसका नाम है कारो पीक और ये जो है मोरनी हिल्स का पार्ट है और इसकी हाइट करीब 1500 मीटर है। अगला है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका एक ठंडा प्रदेश है और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है रियो पुरगिल और ये जो है वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, करीब 6800 मीटर, यानी कि 6800 मीटर करीब है। अब बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर का जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका केटू और ये जो है काराकोरम में आता है। तो जम्मू एंड कश्मीर आपका पहले था, अब वो डिवाइड हो चुका है, तो अब ये लद्दाख में आता है। तो लद्दाख का सबसे ऊंचा पॉइंट है केटू और इसका नाम है काराकोरम, जिस माउंटेन रेंज में आता है ये, और इसकी हाइट है 8611 मीटर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया का सबसे ऊंचा पॉइंट जो है केटू है, तो पूरे इंडिया में भी ये जो है सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो सबसे पीक पॉइंट है वो है पारसनाथ और ये पारसनाथ हिल्स का पार्ट है और इसकी हाइट है 1366 मीटर। अगला है आपका कर्नाटका। कर्नाटका का जो पीक पॉइंट है वो है मुलायनगिरी और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है और इसकी हाइट है 1925 मीटर। फिर आपका केरला। तो केरला का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अनामुड़ी और इसका जो माउंटेन रेंज है वो है वेस्टर्न घाट और इसकी हाइट है 2695 मीटर, तो बहुत ही ऊंची हाइट है इसकी। केरला के बाद है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़ और ये सतपुड़ा जो रेंजेस है उनका पार्ट है। तो सतपुड़ा का भी हाईएस्ट पीक जो है धूपगढ़ है और ये जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है और इसकी हाइट है 1350 मीटर। फिर आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट में आपको कालसूबाई नाम का एक पीक है जिसकी हाइट 1646 मीटर है। फिर आपका है मणिपुर। तो मणिपुर में है माउंट ईसो और ये सेनापति डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये करीब 3000 मीटर हाइट का है। फिर आपका मेघालय में है शिलोंग पीक जो खासी हिल्स का पार्ट है। तो मेघालय में तीन हिल्स हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ये जो है करीब 1965 मीटर का है। फिर आपका मिजोरम में बात करें तो ये है
फॉन्ग पुई, और ये सहा डिस्ट्रिक्ट में आता है और इसकी हाइट 2165 मीटर है। फिर आपका है नागालैंड, नागालैंड में आपका जो है माउंट सारामती है और ये नागा हिल्स का पार्ट है और इसकी हाइट है करीब 3800 मीटर। फिर आपका उड़ीसा में है देवमाली, जो आपका ईस्टर्न घाट का पार्ट है और इसकी हाइट है 1672 मीटर। फिर आपका पंजाब में है एक अननेम्ड पॉइंट है जिसका नाम है, जो नैना देवी में है, तो ये जो है आपका रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसकी हाइट है 1000 मीटर। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके राजस्थान का, तो ये है गुरु शिखर, जो अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है और राजस्थान का भी सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसकी हाइट है 1722 मीटर। फिर आपका है सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा बहुत ही फेमस है और इसकी हाइट है 8598 मीटर और ये जो है ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। उसके बाद है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु जो है आपका साउथ इंडिया में आता है और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा और ये नीलगिरी हिल्स का पार्ट है और इसकी हाइट है करीब 2600 मीटर। फिर आपका तेलंगाना में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है लक्ष्मी देवी पल्ली और ये जो है डेक्कन प्लेटो का पार्ट है और इसकी हाइट है 670 मीटर। फिर है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है बेटा लोंग चिप और ये जम्पुई हिल्स में आता है और इसकी हाइट है करीब 1000 मीटर। फिर आपका बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे अम्फोट पीक है जो आपकी शिवालिक हिल्स में आती है और करीब 950 मीटर की इसकी हाइट है। अब बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे नंदा देवी नाम का पीक है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 7800 मीटर है करीब और ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। फिर आपका लास्ट है वेस्ट बंगाल, जहाँ का हाईएस्ट पीक का नाम है संदाकपू और ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है और इसकी हाइट करीब 3600 मीटर है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इंडिया में कौन कौन से स्टेट की हाईएस्ट पीक कौन सी है और वो किस माउंटेन रेंज का पार्ट है और उसकी हाइट कितनी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।